हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। इन दिस वीडियो वी विल डू द करंट अफेयर्स ऑफ 6th of October। और इसमें जो है द हिंदू और PIB के जो करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज़ होती है, उन्हीं को MCQs फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जो है वो रखा जाता है। और ये जो है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे, SSC। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये जो भाषा है हिंदी और ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लकेरा। नाउ रिसेंटली देखिए, अभी है UPSC 2020 का जो पेपर है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो बेसिकली इसमें जो है कई जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर्स से, जो लेक्चर्स मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लेता हूँ, तो बेसिकली उसमें उससे डायरेक्ट जो है कई क्वेश्चंस जो है उठ के आए हुए हैं। सो बेसिकली नाउ वी विल डू द करंट अफेयर्स। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, दिस लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। सो बेसिकली यून क्लॉज जो लॉ है जो ये तय करता है कि जो सी कोस्ट होगा या जो कोई भी कंट्री है तो उसकी जो बॉर्डर है वो कहाँ तक होगी। तो बेसिकली आपको पता है 12 नॉटिकल माइल तक है जो एरिया है, 12 नॉटिकल माइल तक, तो वो जो है एक कंट्री का एरिया होता है। फिर उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल, उसके बियॉन्ड जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो उस कंट्री का होता है। लेकिन अगर उसके बाद का जो एरिया है तो बेसिकली वो जो है इंटरनेशनल कंसिडर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो जो है उस कंट्री का होता है। तो ये जो है, ये जो लॉ है ये कब लाया गया था? तो बेसिकली ये जो लॉ है ये 1982 में लाया गया था। सो रिमेंबर दिस। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स वॉज कंडक्टेड बाय हूम? तो बेसिकली डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स आया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इट इज नॉट एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, तो इसको जो है थर्ड रैंक मिली हुई है। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर है के सदानंद गौड़ा, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। सो कर्नाटका साउथ, नॉर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ के सदानंद गौड़ा। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कौन है, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से कंफ्यूज मत करना। वो है कौन? तो वो है रामविलास पासवान। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ये जो क्वालिटी इंडेक्स है इसको किसने कंडक्ट किया था? तो बेसिकली इट इज़ कंडक्टेड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के अंडर में जो है बहुत से डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, तो बेसिकली उन्होंने ये कंडक्ट किया था। सो यू कैन सी इन द न्यूज़, डाटा गवर्नमेंट क्वालिटी इंडेक्स DGQI सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफिस। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और ये जो ऑफिस है ये 1982 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। हाउ मेनी आईलैंड्स आर देयर इन इंडियन ओशन कमीशन? तो बेसिकली इंडियन ओशन जो कमीशन है, जो हिंद महासागर है उसका जो कमीशन बनाया गया है, तो बेसिकली उसमें कितने आईलैंड हैं? तो इसमें जो है 5 आईलैंड आपको जो है देखने को मिलेंगे। वो 5 आईलैंड कौन कौन से? तो कॉमरोस है, सेचिल्स आपको मिलेगा, मॉरिशियस आपको मिलेगा, रूनन आपको मिलेगा, और मेडागास्कर मिलेगा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। इसमें आपसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, इसमें वो आपको नाम दे देंगे ये पांचों, और इसमें हो सकता है वो मालदीव्स को इंक्लूड कर दें, क्योंकि मालदीव्स जो है भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है, और भारत में जो है बहुत हेल्प भी कर रहा है भारत मालदीव्स की। और ये जो है इसी आप देखेंगे तो आपको ईस्टर्न जो है पार्ट में वो देखने को मिलेगा। सो बेसिकली मालदीव्स जो है आपको इंडिया के बिल्कुल पास में देखने को मिलेगा, तो वो ऑप्शन में दे सकते हैं और आपसे ये पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज COI कमीशन, तो इसको इंडियन ओशन कमीशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील्स सेट दे विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर? तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, आपको पता है यूरोपियन यूनियन में कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, पूरा यूरोप जो कंट्रीज हैं उनको मिला के यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। और आपको ब्रसेल्स में एक और हेडक्वार्टर मिलेगा जो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और ये जो है ये इन्होंने ये कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, तो किस ईयर तक ये बनेंगे? तो बेसिकली ये जो है 2050 तक बनेंगे, 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। वेल बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कार्बन एमिशन में सबसे ज़्यादा जो है वो है चाइना, सेकेंड है USA, एंड थर्ड इज सो बेसिकली इंडिया। सो रिमेंबर दिस। एंड थर्ड इज यूरोपियन यूनियन, नॉट इंडिया, इट इज थर्ड इज यूरोपियन यूनियन।
प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ मेगा वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट समिट? तो बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मेगा वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी. उस समिट का जो है नाम वो क्या रखा गया है? तो इस समिट का नाम है रेज. रेज 2020 इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो. और अगर मैं आपको बोलूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक सबसे पहले किसने चालू किया है, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बीटेक है वो शुरू किया है आईआईटी हैदराबाद ने. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पोस्टमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन विच ईयर. तो बेसिकली देहांत के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न दिया गया. तो बेसिकली इनको किस ईयर में दिया गया था ये? और ये पहले ऐसे पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन थे जिनको जो है मरणोपरांत जो है डेथ होने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया था. आपको पता है भारत रत्न जो है वो सबसे हाईएस्ट ऑनर है इंडिया का. तो ये जो है 1966 में दिया गया था. और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे. और क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था. वो प्रोट मतलब कुछ समय के लिए थे, क्योंकि उस समय जो था गवर्नमेंट चलाने के लिए एक जो है उनको सिर्फ टेम्प्ररी जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था. फिर उसके बाद जो है परमानेंट बनाया गया, तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे. और लाल बहादुर शास्त्री 1965 के वॉर में इन्होंने जो है बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था. उस समय जो था इन्होंने ही बोला था कि आप पंजाब और जो राजस्थान है वहाँ का फ्रंट खोल दो. तो बेसिकली फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा. तो ये और फिर उसके बाद जो है इनकी जो मीटिंग हुई थी ताशकंद में, तो ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी. ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान की. उज्बेकिस्तान को अजरबैजान से कंफ्यूज मत करना. अजरबैजानी कैपिटल है बाकू और करेंसी है मनत. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो. और अगर मैं बोलूं किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की है नूर सुल्तान. इतना आप याद रखो, इतना अभी के लिए काफी है. एक्सरसाइज बोंगो सागर इज इन न्यूज, इट वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री. तो एक्सरसाइज बोंगो सागर जो है ये न्यूज में है. तो ये किन दो देशों के बीच में होने वाली है? तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाली है. नेवल एक्सरसाइज होगी ये, तो ये एक नेवल एक्सरसाइज होगी. और मैं आपको बता दूं कि ये कहां पे होने वाली है, तो ये बे ऑफ बंगाल में होगी. तो बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पे ये होगी. भारत और बांग्लादेश जो है और जो एक्सरसाइज करते हैं वो है संप्रीति, एक ये है. भारत और जापान की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया और जापान जो है वो करते हैं कौन कौन सी? शिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन एंड धर्मा गार्डियन. रिमेंबर दिस. भारत और चाइना करते हैं हैंड इन हैंड. हैंड इन हैंड जो है वो नेवल एक्सरसाइज आपको मिलेगी. किसकी? जो नेवल एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज है वो भारत और चाइना के बीच में होती है हैंड इन हैंड. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो. और संप्रीति को मैत्री से कंफ्यूज मत करना. मैत्री हम करते हैं श्रीलंका के साथ. सो रिमेंबर दिस. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? तो बेसिकली इट इज नोन एज UNCTAD. तो भारत का इसमें रैंक क्या है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में? तो भारत का इसमें जो रैंक है वो है 9th. पहले जो था 2018 में जो रैंक था 12th, और 9th जो रैंक है वो 2019 में है. AS दवे पास दवे, ही इज वॉट? तो बेसिकली AS दवे का निधन हो गया. ये कौन थे? तो ये एक जज थे. और ये कहां के जज थे? तो ये एक्टिंग जज थे गुजरात हाई कोर्ट के. सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम विच आइलैंड? तो बेसिकली सुपरसोनिक मिसाइल जो है असिस्टेड, इसको जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है. इसको सक्सेसफुली जो है फ्लाइट टेस्ट इसका हो गया है. तो बेसिकली ये किस आइलैंड से जो है टेस्ट किया गया है? तो इसको व्हीलर आइलैंड से किया गया है. और ये आपको मिलेगा कहाँ? ओडिशा में. देखिए इसरो और DRDO में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सबसे पहले इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में, और इसके हेड है जो है K7. सबसे पहले तो आपको याद रखना है. DRDO न्यू दिल्ली में है, और इसके जो चीफ है वो है G Satish Reddy. अब देखिए सबसे पहला इसरो ने 2020 में सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च करी GSAT-30. अब अगर मैं और बात करूं, तो इसरो अपना सेकंड लॉन्चिंग पैड बना रहा है टुटुकोडी डिस्ट्रिक्ट में,
जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसरो जो अपना रॉकेट लॉन्चिंग जो पैड है वो कहाँ पे है, तो वो है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बोलते हैं, और ये आपको मिलेगा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा बेंगलुरु में, कर्नाटका में, कर्नाटका को स्पेस सिटी भी बोलते हैं, लेकिन जो उनका जो लॉन्चिंग पोर्ट है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की जो सेकंड पैड बन रहा है, लॉन्चिंग पैड, वो कहाँ बन रहा है, तो थूथुक्कुडी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, तमिलनाडु में। अब बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ जो भी अपने जो इनके जो भी मिसाइल्स होती हैं, जो भी टेस्ट करता है, तो वो कहाँ से करता है, तो वो उड़ीसा से करता है। उड़ीसा में जो है अब्दुल कलाम आइलैंड है और व्हीलर आइलैंड है, तो बेसिकली इन आइलैंड्स से जो है वो जो है टेस्ट होते हैं। और डीआरडीओ ने एक चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर बनाया है जिसका नाम है चीपेस्ट गनशॉट लोकेटर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पार्थ। सो रिमेंबर दिस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी साइंड बिटवीन इंडिया साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और किस संस्था के बीच में हुआ है, टू मेक एजुकेशन मटेरियल एक्सेसिबल फॉर डीफ चिल्ड्रन इन देयर प्रिफर्ड फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली एमओयू साइन होने वाला है इंडिया साइन लैंग्वेज जो है उनके बीच में और किस संस्था के बीच में ये हो रहा है, जिससे क्या होगा, जो मटेरियल है पढ़ने के लिए उनकी जो भाषा है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी फॉर्मेट में हम अवेलेबल कराएंगे। तो ये जो है ये एनसीईआरटी और इंडियन साइंस जो रिसर्च सेंटर है उसके बीच में हुआ है, तो एनसीईआरटी ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है हमारे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम है अमित शाह मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ, डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसरो के चीफ है के सिवन, और वो आपको जो हेडक्वार्टर है इसरो का मिलेगा कहाँ पे, बेंगलुरु में। सो रिमेंबर दिस, और बेंगलुरु नॉर्थ ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, के सदानंद गौड़ा, जो हमारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर हैं। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियोस। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो करंट अफेयर जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।